हेलो अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड, अभी मैं यखनी वाला पुलाव बनाने लगी हूँ। तो ये मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रखी हैं। तो ये पतीले में मैंने इतना सा जैतून का तेल लिया है, ये देखें। और इसमें मैं अभी ऐड करूँगी प्याज। तो मैंने ये प्याज लिए हैं, ये मैंने लिया है नमक और ब्लैक मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाला। और ये मेरे 1 किलो चावल हैं, और ये मैंने 1.5 किलो गोश्त उबाल किया है बकरे का, और ये यखनी है। तो फ्रेंड, आपने बोला था व्हाट्सएप पे कि यखनी वाला पुलाव दोबारा बनाएं, तो आप देखिएगा ये कैसे बनता है यखनी वाला पुलाव। तो ये पतीला मैंने रख दिया, इसमें मैं अभी ऐड कर रही हूँ प्याज। तो इसको मैं अच्छी तरह फ्राई करूँगी। जब हमारे प्याज अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे तो इसी में हम बकरे का गोश्त डाल देंगे। और फ्रेंड, अभी हमारे प्याज ब्राउन हो गए, हम इतने ही रखेंगे। अगर ज़्यादा ब्राउन किए तो फिर चावलों के लिए ब्राउन आएगी, तो हम ज़्यादा ब्राउन चावल नहीं बनाएंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अब गोश्त। और फ्रेंड, इसी के साथ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, कुटी हुई लाल काली मिर्च और गरम मसाला। तो इसको मैं अच्छी तरह फ्राई करूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ। तो इसको मैं 5 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करूँगी। और फ्रेंड, अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया, और गोश्त भी और मसाला भी। तो अभी इसमें मैं यखनी ऐड कर रही हूँ, अभी मैं यखनी ऐड करूँगी। तो आप देखो कैसे बनते हैं यखनी वाला पुलाव, देखो। ये देखें फ्रेंड, इसको मैं अभी 10 मिनट तक यखनी को पकने दूंगी हल्की आंच पे। तो जैसे ही हमारी यखनी पक जाएगी, इसमें मैं चावल ऐड करूंगी और पुदीना, धनिया और हरी मिर्ची। आप देखिएगा, देखिए फ्रेंड, अभी हमारी यखनी अच्छी तरह पक गई है। अभी मैं इसमें चावल ऐड करूंगी। इसी में मैं हरी मिर्ची पुदीना और धनिया ऐड कर दूँ। आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। यखनी वाला पुलाव मटन का कैसे बनता है आप देखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।
आप लोगों के लिए इसी तरह मैं अच्छे अच्छे खाने बनाती रहूँगी और आप लोगों को वीडियो दिखाती रहूँगी। अब मैं 5 मिनट के लिए हल्की आँच पे रखूँगी, फिर दम पे रखूँगी। तो आप लोग देखते रहिए फ्रेंड, और देखिए फ्रेंड हमारा मटन पुलाव इतना अच्छा दिख रहा है। तो अभी मैं इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे लगाऊंगी। इसकी मैं आंच बिल्कुल कम कर दूंगी। ये हल्की आंच पे 10 मिनट अभी पड़ा रहेगा, फिर आपको मैं दिखाऊंगी। और फ्रेंड अभी मैं दम से चावल उतारने लगी हूँ पुलाव। तो देखिए हमारे पुलाव की कितनी अच्छी लुक आ रही है। देखिए आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। हमारा पुलाव यकीनी बिल्कुल रेडी है। अल्लाह हाफिज़।